डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में आयोजित दो कार्यक्रमों में शिरकत की। श्रीमद् भगवत कथा का रसमान करने के बाद ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया। बदायूं के भीमपुर में जंगल में गोवशी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई, पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर बड़ा घमासान, पहलवानों ने पद से बर्खास्त की उठाई मांग। महिला कानून का दुरुपयोग करने वाली महिला और प्रधान गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उठाया कदम। यूपी में 17 चिकित्सा अधिकारी को तबादला, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या में आयोजित दो कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। सोहावल के देवई गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के बाद शहर के रिकाबगंज स्थित ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्षों में काम किया है, उससे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं, उनमें भारत का 5वां स्थान है। पर प्रधानमंत्री ने तय किया आने वाले दिनों में 1 से 3 की श्रेणी में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अयोध्या के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सड़क मार्ग से प्रयागराज के लिए रवाना हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से इन 8 वर्षों में काम किया है, भारत की साख दुनिया के पैमाने पर बढ़ी है और हमने ब्रिटेन जैसे बड़े राष्ट्र को पछाड़ते हुए दुनिया की जो 5 प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं, उनमें हमारा भी नंबर 5 में आ गया है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में 1, 2, 3 में आ जाएंगे। उसके लिए भारत की इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपनी भूमिका निभा रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत को आगे बढ़ने की कल्पना नहीं। भारतीय कुश्ती में इन दिनों भारी हंगामा मचा हुआ है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए हैं। महिला पहलवानों ने संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और कई कोचों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। गोंडा स्थित अपने आवास पर पहुंचे बीजेपी सांसद व भारतीय कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने 30 साल बाद मेरे खिलाफ वही साजिश दोहराई है। ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर लगाए गंभीर आरोपों का खुलासा करेंगे। साथ ही कुश्ती और कुश्ती के खिलाफ साजिश करने और महिला पहलवानों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की राजनीतिक साजिश का भी पर्दाफाश करेंगे। खबर बदायूं से है, जहां गांव भीकमपुर के जंगल में गोकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही थाना सहसवान पुलिस ने जंगल की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर गोकशी करने वाले बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षा करते हुए पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बदमाशों पर गोकशी का मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम भीकमपुर के पास कुछ बदमाशों द्वारा गोकशी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस सूचना पर थाना सहसवान के इंस्पेक्टर क्राइम द्वारा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच के घेराबंदी की गई, तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जो पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उन बदमाशों में से 2 व्यक्ति, जिनका नाम दिलचाद और आरिफ है, इन दोनों को मौके पर पैर में गोली लगी है।
हरदोई के भगौली इलाके में महिला संबंधित कानून का दुरुपयोग करना एक महिला को भारी पड़ गया है। बता दें कि महिला ने फर्जी दुष्कर्म के मामले में प्रधान से साठ काट कर कोटेदार को फंसाया था, जिस पर कोटेदार द्वारा अदालत में साक्ष्य देने के बाद अदालत ने महिला पर कार्यवाही करने के आदेश दिए और अदालत के आदेश पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। झूठ नहीं।